प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में भी कमी आ सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने सोमवार को इस समझौते की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के अधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। सेना के अफसर भी बातचीत में शामिल थे। पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमति के बाद दोनों देश सेनाएं पीछे हटा सकते हैं। देवसांग प्लांट डेमचोक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाने की इजाज़त अभी नहीं है। यहां सेनाएं अभी मौजूद हैं। पेट्रोलिंग का नया सिस्टम इन्हीं पॉइंट से संबंधित है। इससे 2020 के गलवान जैसे टकराव को टाला जा सकता है।